नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथे गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वःः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है शक्ति स्रोत की सच्ची शोध। अष्ट सिद्धियों तो उन छोटे छोटे कीड़ों में भी वर्तमान में है, जो चलते समय पैरों के नीचे दबकर मर जाते हैं। मनुष्य यदि सिद्धियां प्राप्त करने की बात सोचे तो असामान्य नहीं मानेंगे। वास्तव में सिद्धियां प्राप्त करने की नहीं, वह तो स्वाभाविक गुण के रूप में आत्मा में सदैव ही विद्यमान है। परमात्मा ने हमें शरीर रूपी यंत्र दिया है, वह उसी की अनुभूति में प्रयुक्त होना चाहिए था, पर आधार के अनुपयुक्त प्रयोग के कारण हम आत्मा के उन दिव्य गुणों के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। सिद्धियों की खोज में उचित साधन को भूल जाने के कारण न तो सिद्धियां मिल पाती है और न शांति। मनुष्य बीच में ही लड़खड़ाता रहता है। पांतजल योग सूत्र में एक जगह कहा है, निमित्त प्रायोजक प्रकृति ना वर्ण भेदस्यतु तत् सत्रिकवत्। अर्थात जित प्रकार खेत में पानी लाने के लिए केवल मात्र मेंड काट कर उसका जल स्रोत में संबंध जोड़ देने से खेत में पानी प्रवाहित होने लगता है, उसी प्रकार जीवात्मा में पूर्णता पवित्रता और सारी शक्तियां पहले से ही विद्यमान है। हमें शरीर और मन के भौतिक बंधनों की बेड का फाट कर उसका संबंध पर आत्मा से जोड़ने के आवश्यकता है। एक बार यदि शरीर और मन के सुखों की ओर से ध्यान हटकर आत्मा में केंद्रित हो जाते तो आत्मा की संपूर्ण शक्तियां और विभूतियों जीव को एक स्वाभाविक धर्म की तरह उपलब्ध हो जाती है। ऐसा न करने तक उसके और सामान्य कीड़े मकोड़ों के जीवन में किसी प्रकार का अभी अंतर नहीं है। स्वामी विवेकानंद, अखंड ज्योति, अक्टूबर 1970, पृष्ठ 1। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का चैप्टर है